Hey guys, कैसे आप सभी लोग? Welcome back to my another gameplay video. तो आज हम दोबारा से खेलने जा रहे हैं Pokemon X. एंड जैसे कि आपको लास्ट पर एपिसोड में पता होगा, हमने यहाँ के जिम लीडर वॉल्फ्रिक को हराकर अपना लास्ट 8 जिम बैच जीत लिया था गाइस. तो अब जबकि मैंने उस जिम बैच को जीत लिया तो मैं Pokemon लीग में हिस्सा ले सकता हूँ गाइस. फिलहाल के लिए हम इस तरफ जाते हैं गाइस, यहाँ से रास्ता होगा. Alright, let's go. पहले तो शायद हमें विक्ट्री रोड के थ्रू जाना ही होगा, उसके बाद ही हम पोकेमॉन लीग में पहुंच जाएंगे. तो अभी हम आ चुके हैं रूट 21, लेट्स गो. ये ट्रेन है क्या? ओह, इसने मुझे देख लिया. चलो भाई, इससे बैटल कर लेते हैं फटाफट से. ऑलराइट गाइस, इसके पास दो ही पोकेमॉन है. पहला पोकेमॉन इसने सेंड आउट किया सैपली. तो इसके ऊपर यूज करते हैं थंडर बोल्ट. ओके, तो इसने हमारे पिकाचू को कंफ्यूज कर दिया. कोई बात नहीं, एक बार थंडर बोल्ट यूज करवाते हैं. ओ भाई, कंफ्यूज होने के कारण इसने अपने आप को ही डैमेज कर लिया. मतलब अरे नहीं भाई, हमारा पिकाचू फेंट हो जाएगा. कोई ना, हम अपने पोकेमॉन को स्विच करेंगे. चलो गाइस, चार्जार्ड को स्विच करते हैं. ओ भाई, काफ़ी खतरनाक अटैक इसने यूज़ किया. कोई ना, हम अपने चार्जार्ड से फ्लेम थ्रोअर यूज़ करवाते हैं. एंड इसी के साथ सैपली हो चुका फेंटेड. ठीक है, तो इसका दूसरा पोकेमॉन कौन सा होगा? इसका दूसरा पोकेमॉन है क्रिस्टल. कोई बात नहीं गाइस, क्रिस्टल के अगेंस्ट भी हमारा चार्जार्ड काफ़ी है. फिर से एक बार फ्लेम थ्रोअर यूज़ करवाते हैं अपने चार्जार्ड से. ओके, थोड़ा सा बच गया है, कोई बात नहीं. ओ भाई, ऐसा पहली बार हुआ कि किसी एक पोकेमॉन ने भाई एक ही अटैक में हमारे चार्जार्ड को ढेर कर दिया. अरे नहीं, पिकाचू को तो अभी हम बाहर निकाल नहीं सकते. तो चलो भाई, ग्रीनजा को बाहर निकलते हैं. और ये कि हमने यूज कट, लेट्स गो. तो क्रिस्टल भी एक फैंड हो चुका है. भाई यार, इसके चक्कर में मेरा पोकेमॉन फैंड हो गया. कोई बात नहीं गाइस, हमारे पास मैक्स रिवाइव है तो हम उसको यूज कर सकते हैं. तो ये रहा मैक्स रिवाइव. तो ये अपने चार्जार्ड के ऊपर यूज करते हैं. तो हमारा चार्जार्ड फुली हील हो चुका है. अभी ये दूसरा हम यूज़ करेंगे फुल रीस्टोर. ये रहा फुल रीस्टोर, इसको यूज़ करते हैं अपने पिकाचू के ऊपर. ओके, तो हमारा पिकाचू भी फुली हील हो चुका है. और अभी हम आगे बढ़ते हैं गाइस. और यहाँ पे दो फिर से ट्रेनर्स मुझे देखने को मिल गया है. चलो भाई, इनसे भी बैटल कर लेते हैं. ठीक है, दोनों के पास सिर्फ एक एक पोकेमॉन है, वे लॉर्ड एंड दूसरा पोकेमॉन का नाम मैं भूल गया भाई. ओह हाँ, वाइल्ड प्लूम. भाई कैसे बोल जाऊँगा, वेलॉर्ड के ऊपर यूज़ करते हैं थंडर बोल्ट एंड वाइल्ड प्लूम के ऊपर यूज़ करते हैं क्लोज कॉम्बैट. ओके, उतना असरदार नहीं था लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं. तो हमारे पिकाचू ने यूज़ किया थंडर बोल्ट वेलॉर्ड के ऊपर और थोड़ा सा बच गया, कोई बात नहीं. एंड यहाँ पे वाइल्ड प्लूम ने यूज़ किया स्टन स्पोर. भाई यार, काफ़ी घिसपिटास अटैक है भाई. क्लोज कॉम्बैट, चलो क्लोज कॉम्बैट यूज करते हैं भाई वाइल्ड फ्लू के ऊपर. और यहाँ पे वेलॉर्ड हो चुका फेंटेड, बहुत बढ़िया. अभी बस वाइल्ड फ्लू बचा है और हमारा जर्नियस लेवल 69 पहुंच चुका है. ओ, ये क्या पोइजन यूज किया? अबे यार, इसने हमारे पिकाचू को पोइजन कर दिया. ठंडा यूज़ करवाते हैं गाइस पे अपने पिकाचू से. एंड फिर से क्लोज कॉम्बैट यूज़ करवाते हैं अपने लुकारियो से. ठीक है, उतना असरदार नहीं था मतलब ऑब्वियसली. इसी के साथ वाइल्ड प्लूम भी हो चुका फेंटेड. या ऐसे छोटे छोटे अटैक्स, पोइजन, पैरालाइज, भाई स्टन स्पोर, मुझे ये सब अटैक्स बिल्कुल पसंद नहीं गाइस, क्या ही बताऊं.
चलो भाई फिर से हील करना होगा अपने पोकेमोन को। मेरे पास फुल रिस्टोर है तो मैं इसको यूज़ कर लूँगा अपने लुकारियो के ऊपर एंड अपने पिकाचू के ऊपर। तो गाइस यहाँ से अगर कोई भी बैटल फिर से देखने को मिल गया तो मैं उसको स्किप कर दूँगा क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा गाइस, आप समझ पा रहे होगे मे बी। तो यहाँ से जाते हैं। ओके क्या ये विक्ट्री रोड है क्या? इस बार इससे बात करते हैं। दिस गेट इज द एंट्रेंस टू विक्ट्री रोड। ओनली पोकेमोन ट्रेनर्स हु कलेक्टेड ऑल 8 बैजेस में पास। योर टोटल नंबर ऑफ 8 बैजेस इज 1, 2, 3, 4। हाँ भाई 8 के 8 ही हैं। वाओ यू हैव ऑल 8, यू विल देन अलाउ मी टू टेस्ट योर एबिलिटीज। इसको हमारा एबिलिटी टेस्ट करना है भाई साहब। ठीक है गाइस इसको हमारा एबिलिटी दिखाई देते हैं। इसके बाद सिर्फ 3 ही पोकेमोन है और पहला पोकेमोन इसने सेंड आउट किया कार्बिंग। क्या यार कुछ खतरनाक पोकेमोन लाओ भाई, कार्बिंग क्या ही कर लेगा हमारे अगेंस्ट। अरे नहीं भाई इसने भाई साहब मैंने इसको अंडर एस्टिमेट कर दिया भाई, मतलब मेरा अटैक तो इसके ऊपर असर नहीं करा। चलो भाई चार्ज आर्ट को सेंड आउट करते हैं। मुझे लगा छोटा पोकेमोन होगा और इसका कुछ वेट ये क्या था भाई? ओ भाई साहब काफ़ी खतरनाक पोकेमोन है भाई, बस मतलब दिखने में छोटा है लेकिन ऐसा है नहीं गाइस। फटाफट से अपने चार्ज आर्ट को मेगा इवॉल्व करते हैं एंड यूज करवाते हैं फ्लेम थ्रोअर। होपफुली भाई इससे फेंट हो जाएगा ये कार्विंग। जितना सोचा था मतलब उससे तो काफ़ी ताकतवर निकला भाई ये पोकेमोन, बट क्या ये हमारे फ्लेम थ्रोअर को सर्वाइव करेगा? इसने सर्वाइव कर लिया भाई साहब। ओ भाई ये क्या पोकेमोन है गाइस। ओ भाई लगभग गाइस इसने हमारे चार्ज आर्ट को फेंट कर ही दिया था। लेट्स गो, फाइनली कार्विंग हो चुका है फेंटेड और इसका दूसरा पोकेमोन है किंग ड्रा। किंग ड्रा के अगेंस्ट तो हम अपने पिकाचू को सेंड आउट करेंगे। हालांकि उतना ये ड्रैगन टाइप भी है तो भाई अपना इलेक्ट्रिक टाइप उतना असर नहीं करेगा, बट एक बार देखते हैं गाइस। थंडर अटैक यूज करते हैं। हाँ कोई बात नहीं भाई ये पहला जो चुका है अभी। इसने कौन सा अटैक यूज किया, साइबीम या फिर क्या, कोई ना। एक बार और थंडर अटैक यूज करते हैं। नाइस ये तो अच्छा हुआ कि गाइस अटैक मिस नहीं हुआ। चलो भाई किंग ड्रा भी हो चुका है फेंटेड। अब इसका लास्ट पोकेमोन बचा है देखते हैं, एक राइचू। भाई इसके अगेंस्ट हम अपना चार्जर सेंड आउट करेंगे। हालांकि भाई अपने चार्ज आर्ट के हेल्थ बहुत कम है, अगर एक बार अटैक मिला इसको तो ये फेंट हो जाएगा, बट ठीक है भाई इसको तो भाई। अरे नहीं भाई मैं भूल गया था, इस ट्रेनर के कार्पिंग ने स्टोन्स रखे थे तो अगर मैं अपने पोकेमोन को स्विच करूंगा तो भाई ऐसा ही होगा। चलो गाइस कोई बात नहीं, हम अपने ग्रिंजा को सेंड आउट करते हैं और अपना जो स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक है मतलब सबसे खतरनाक अटैक वो यूज़ करवाते हैं जो कि है हाइड्रो कैनन। मेरे हिसाब से मतलब इसके ऊपर असर तो करना चाहिए। चलो गाइस हाइड्रो कैनन से इसका खेल तमाम हो गया एक अटैक में। नाइस तो हमने ट्रेन को दिखा दिया और शायद इसको हमारा एबिलिटी इसने मतलब टेस्ट कर लिया। फैंटास्टिक, प्लीज अलाउ मी टू से इट वंस मोर, फैंटास्टिक। हाँ ओके ओके भाई समझ गया यार। मे द रोड यू एंड योर पोकेमोन फॉलो बी फील्ड विद जॉय एंड सक्सेस। ओके बहुत शुक्रिया, मैं जाने के लिए रेडी तो हूँ बट मेरा पोकेमोन भाई क्या ही बताऊँ अभी लाइक हील करना है मुझे, तो एक बार यहाँ पे हील करते हैं। और मेरा चार्जर तो फेंटी हुआ भाई जिसके ऊपर तो मैक्स रिवाइव यूज़ करना ही होगा। कहाँ पे? ओके ये रहा मैक्स, ये तो रेयर कैंडी भाई। हाँ ये रहा मैक्स रिवाइव, तो इसको अपने चार्जर के ऊपर यूज करते हैं। अपना चार्जर फुली हील हो चुका है। लेट्स गो आगे बढ़ते हैं। ये विक्ट्री रोड क्या केव है क्या इसमें? मुझे लगता है केव हो सकता है। लेट्स सी। ओके दरवाजा खुल चुका है यहाँ पे। काफी खतरनाक सा एनिमेशन है भाई यहाँ पे। ये क्या यहाँ पे? ओके मुझे लगा यहाँ पे ये दरवाजा था, दरवाजा नहीं मतलब स्टेयर्स था, ठीक है सीढ़िया था। तो विक्ट्री रोड में अभी हम आ चुके हैं एंड अब यहाँ से आगे भाई रास्ता बहुत ही लंबा होने वाला है एंड मुझे पता है भाई
यहाँ स्केप के थ्रू जाने में टाइम बहुत लगेगा, तो ये एपिसोड लंबा हो जाएगा गाइस, इसलिए मैं आज वाले एपिसोड में इतना ही रहूँगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में गाइस, जहाँ पे हम इस विक्ट्री रोड के थ्रू जाएंगे एंड पहुँच जाएंगे उस पोकेमॉन लीग में। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गाइस सी यू, टाटा एंड बाय बाय।